अजमेर जिला रोलबॉल संघ की ओर से संस्कृति दा स्कूल में शुक्रवार से 3 दिवसीय तीसरी जिला स्तरीय रोलबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। रोलबॉल संघ के सचिव किशोर कुमार मारोठिया ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले की विभिन्न स्कूलों और क्लबों के लगभग 250 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कुल 15 टीमों में विभाजित बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों की अंडर 11, अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग में कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके अलावा स्पीड स्केटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। आज हम संस्कृति स्कूल में तीसरी रोल बॉल और स्केटिंग प्रतियोगिता का हमने शुभारंभ किया है। ये प्रतियोगिता इसके जो एसोसिएशन है उसके तत्वावधान में हमारे संस्कृति स्कूल के प्रांगण में हो रही है। इसमें करीब 250 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये प्रतियोगिता 7th, 8th और 9th फरवरी को चलेगी और इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे विजयी होंगे उनको प्रोत्साहन स्वरूप एसोसिएशन की तरफ से सर्टिफिकेट और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्य अतिथि स्कूल प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल ए.के. त्यागी, विशिष्ट अतिथि रोलबॉल संघ के अध्यक्ष सोमरत्न आर्य, सचिव किशोर कुमार मारोठिया और अजमेर जिला स्पीड स्केटिंग संघ के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने विधिवत प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाली प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए सचिव किशोर कुमार मारोठिया ने बताया, आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रोलबॉल चैंपियनशिप हो रही है, जिला स्तर की प्रतियोगिता है। इसके अंदर विभिन्न स्कूलों से 150 से 200 बच्चे पधारे हैं, जिसके अंदर 15 स्कूलों की टीम और 2 क्लबों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन 7 तारीख से 9 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम की ओपनिंग सेरेमनी थी और 9 तारीख को हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी रख रहे हैं। इसमें जो मेयो कॉलेज, क्वीन मेरी गर्ल्स, ऑल सेंट पॉइंट स्कूल, प्रेसिडेंसी स्कूल, संस्कृति स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं और इसके अंदर एक स्पीड के भी इवेंट कराए जा रहे हैं, जो विभिन्न आयु वर्ग के इवेंट्स होंगे, जिसके अंदर अंडर 5 से लेके अंडर 16 एज तक के कंपटीशन होंगे। जो यहाँ आज बच्चे हैं उसके अंदर काफ़ी नेशनल मेडलिस्ट जीते हुए भी बच्चे आ रहे हैं।